और बानी मुतहदा के रेड वारंट पर तामील के लिए एफआईए के इंटरपोल विंग को वजारत दाखिला के हुक्मनामे का इंतजार है। आपको बताएं कि जराए के मुताबिक वजारत दाखिला से अभी तक रेड वारंट के अहकाम नहीं मिल सके। अहकाम मौसूल होते ही फ्रांस में इंटरपोल के हेडक्वार्टर से राबता किया जाएगा। जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे सगीर चौधरी से। सगीर, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी, वजारत दाखिला की जानब से जो है वो अल्ताफ हुसैन के कल रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दी गई थी। और इस हवाले से जो बाकायदा तौर पर महकमा दाखिला सिंध की दरख्वास्त पर ये मंजूरी दी गई थी। अभी तक जो है वो एफआईए के इंटरपोल विंग को वजारत दाखिला के ये अहकाम मौसूल नहीं हुए। जराए का ये कहना है कि वजारत दाखिला के अहकाम का इंतजार है, जो ही अहकाम मिलेंगे तो जो फ्रांस में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है वहां पर रब्ता किया जाएगा और बाकायदा तौर पर दस्तावेजात का तबादला भी होगा, जो कि लाजमी है। और इस हवाले से 2 से 3 सफात पर एक परफॉर्मा होता है उसको भी फिल किया जाएगा, जिसमें कुछ जो है वो शरायत दर्ज होती हैं और रूल्स को फॉलो किया जाता है और दस्तावेजात जो है वो भी भिजवाई जाएंगी। और कहा जा रहा है कि अगर दस्तावेजात भिजवाई जाती हैं तो फिर कुछ रोज लगेंगे इंटरपोल से जवाब के हवाले से कि गिरफ्तारी का फैसला हुआ है या नहीं। शुक्रिया सगीर चौधरी अपडेट।